खिलाड़ी का जितना वेट किया जा रहा था फाइनली आने जा रहा है, आपका वेटिंग कितने था? वेट तो हमने काफ़ी किया है और वेट से भी ज़्यादा जो वहाँ पे एक्सपीरियंस किया बल्गेरिया में स्टंट्स करते हुए, खतरों के खिलाड़ी में एज अ कंटेस्टेंट वहाँ पे स्टंट्स परफॉर्म करते हुए, वो तो एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था। तो अब देखने की एक वो टाइम है कि अब अच्छा हमने फाइनली क्या किया था, क्या हुआ था वहाँ पे। अभी मैंने लेटेस्ट अभी जो मेरा ट्रेन का प्रोमो आया वो मैंने देखा, जब मैं ट्रेन से जंप कर रहा हूँ, वो मुझे देखने में बिलीव ही नहीं हुआ अच्छा मैं ही था उसमें, क्योंकि उस टाइम तो आप कर लेते हैं बट जब आप देखते हैं वो चीज़, जब विटनेस करते हैं तो आपको लगता है ओ ये क्या कर लिया या क्या मेमोरी बना दी। सो इट वॉज़ अ वंडरफुल जर्नी, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़े किए, बहुत फ्रेंड्स बनाए, बहुत एक फैमिली जैसी बनाए अपने साथ, तो उससे अच्छा क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। ओके, कह सकते हैं कि लड़कों के अंदर ज़्यादा एक्शन करने का मन होता है, तो आपको कितना एक्शन करने का? ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले ऐसे मेरा परसेप्शन था कि लड़के कर लेंगे इजी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ जाके लड़का लड़की सब सेम है, उस टाइम उस फियर के साथ में आप कैसे रहते हो, उसको ओवरकम कैसे करते हो, वो ऐसे एक इंडिविजुअल एक आपकी एक स्ट्रेंथ बताता है और उसमें कोई लड़का लड़की कोई फर्क नहीं है। कोई ऐसा फियर था आपका जो आपने ओवरकम किया है? बहुत सारे फियर थे, मुझे हाइट से फियर है, मुझे क्रीपी क्रॉली से फियर है, मुझे वाटर से है, पता नहीं मैं क्यों चला गया शो में लेकिन अच्छा गया। कोई ऐसा स्टंट जिसको करने से पहले आपको बहुत ज्यादा डर लगा? देखिए सारे स्टंट्स की तो अभी मैं बात नहीं कर सकता बट हाँ, जैसे जो ट्रेन का स्टंट दिखाया कि चलती ट्रेन में भागना, वहाँ से कूदना, वो ब्लास्ट होना, वो अपने आप में एक ऐसा स्टंट था कि कोई बड़ी से बड़ी फिल्म में भी ऐसा स्टंट नहीं होता देखने को आजकल, तो वो कर लिया, वो अचीव कर लिया। और फिल्म्स में या शोज़ में क्या होता है, आप रिहर्स करते हैं, आपको पता होता है ऐसा करना है, 100 टेक्स होते हैं अलग अलग, इसमें एक ही चांस मिलता है आपको, आप अच्छा करो या बुरा उसको कंप्लीट करना, तो वो जो थ्रिल होता है वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कोई ऐसा टास्क या स्टंट जो था आपको लगा था आप नहीं कर पाएंगे लेकिन आपने बहुत अच्छे से? कई स्टंट्स ऐसे थे जहाँ लगता है आप कर लोगे आप शायद उतना अच्छा नहीं कर पाते, और कई लगता है मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा और वो हो जाते हैं, तो उस टाइम की कुछ डेस्टिनी भी होती है आपकी, आई फील दैट। कोई ऐसा जो सबसे ज्यादा डरपोक था? सभी डरपोक थे, ऐसा नहीं कह सकते कोई एक डरपोक था, सब अपने अलग 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 जगह पे डरपोक थे, मैं भी डरपोक था, बाकी सब भी डरपोक थे, तो तभी तो नाम है कि डर लेगा क्लास देगा त्रास, तो बहुत त्रास दिया है हमें सारे सब स्टंट्स ने। सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको किसने दिया? धर्मेश ने मेरे ख्याल से कह सकते हैं, धर्मेश इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बिकॉज एक अपना उनकी एजिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ कोरियोग्राफर स्टार डांसर, तो एक उनकी जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा रही है, और ऐसा नहीं है कि एक ने दिया, सभी सब पावरफुल हैं। ओके, आपके BTS जितने भी थे काफ़ी ज़्यादा दर्शकों को पसंद आ? जी। पर्सनली आपने कितना जिया है उन सारी? पर्सनली मैं पीछे देखता हूँ तो लगता है कि क्या जर्नी थी, क्या क्या एक लाइफ ही अलग थी वहाँ पे जो जी है, एंड बहुत लकी फील होता है कि वो सब वहाँ कर पाया हूँ। सबके साथ मेरे ख्याल से, करण के साथ, धर्मेश के साथ, अदा के साथ, हर एक इंसान के साथ, जितने भी जो जर्नी रही है, जिस हिसाब से हमने एक फ्रेंडशिप रही है, एक फैमिली बन गई थी, तो अब ऐसा कुछ फ़र्क लगता नहीं, और हम ऐसे ऐसी जगह एक साथ रहना इज़ अ बिग थिंग, हम इतने दिन एक साथ थे, तो एक आप कह सकते हैं एक बॉन्ड एक नेक्स्ट लेवल का बन जाता है। लास्ट से किसी की अगर आपको सीक्रेट रिवील करना होगा जो काफ़ी डरते हैं या यूजुअली जो करते हैं और नहीं पता हो किसी को तो क्या होगा? ज़्यादा तो नहीं पता बट मैंने अभी करण का प्रोमो देखा था जिसमें वो ऐसे वो चूहे हैं उनके मुँह पे बॉक्स में और वो बोल रहे अरे मैं मर जाऊँगा, सो यू कैन सी दैट इट्स फन, हम सब ने किया ऐसा कुछ ना कुछ, बट क्या बोल सकता हूँ, आप 22 को देखेंगे कलर्स पे खतरों के खिलाड़ी आपको पता लग जाएगा।